नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिस ना करें, सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक आपको दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे 1196 करंट वीडियो को क्वेश्चन एक के साथ। और क्वेश्चन एक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो पीएम स्वनिधि जिसको योजना बोलते हैं, उसको मार्च 2022 से अब बढ़ाकर कब तक के लिए जारी रखने की मंजूरी दिया, तो है दिसंबर 2024 तक के लिए। कब तक के लिए? 2024 तक के लिए जो है इसकी मंजूरी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम स्वनिधि योजना को। कब तक के लिए? दिसंबर 2024 तक। जो आधिकारिक बयान है उसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल है उसकी आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई और इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी और जो खोमचे ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य रखा है, तो है 10,000। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी को $44 अरब में अभी हाल ही में खरीदा है? ट्विटर को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, कब मनाते हैं भारत में? तो वह 24 अप्रैल को। फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने किस देश में एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है? तो इटली के अंदर। किस देश के आंद्रे रूबलेफ हैं, उन्होंने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब जीता है? तो रूस की। हाल ही में चीन और किस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौता पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं? तो है सोलोमन द्वीप की। चीन और सोलोमन द्वीप के बीच ये जो है समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न में से कौन सा देश है वो संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया? तो कौन हटा है? रूस। राइट आंसर क्या होगा? रूस। यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है उसमें संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है रूस। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर जो मॉस्को की सदस्य है उसको निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दी। UNWTO अंतर सरकारी निकाय है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है और राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है? तो कब लगने जा रहा है? तो है 30 अप्रैल को। राइट आंसर क्या हुआ? 30 अप्रैल को जो है 2022 का ये पहला सूर्य ग्रहण होगा। वैज्ञानिक नज़रिए से ये खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ग्रहण की घटना को क्या शुभ नहीं माना जाता। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक 30 अप्रैल के मध्य रात्रि यानी जो रात्रि 12:15 से शुरू होकर सुबह क्या है 4:07 तक रहेगा। बता दें कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यानी चंद्रमा सूर्य के प्रकाश की केवल एक अंश को ही बाधित करेगा। ये पूर्ण मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए कितने करोड़ रुपए की जो है मंजूरी वित्तीय 820 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त निवेश है उसका फैसला किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए। अब देश के दूरदराज के गांव में भी क्या लोगों को आधुनिक बैंकिंग सुविधा मिल सकेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस बैंकों की संख्या बढ़ाने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। सरकार के अनुसार वित्तीय समर्थन से सार्वजनिक क्षेत्र के भुगतान बैंक को देश के दूरदराज के क्षेत्रों में पेट बढ़ाने वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में से क्या मदद होगी? क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु के अंदर 81 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था? एलोवेरा ब्रेटा का। राइट आंसर क्या होगा? डी। हॉकी टीम की कप्तान है भारतीय हॉकी टीम की पूर्व की एलोवेरा ब्रेटो, जिनका बेंगलोर में 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। एलोवेरा और उनकी दो बहनें रीटा और मैया महिला हॉकी टीम में क्या सक्रिय थी 1960 और 1967 के बीच कर्नाटक के लिए खेली थी और इस दौरान उन्होंने 3 बहनों के साथ राष्ट्रीय खिताब भी जीते थे। एलोवेरा को 1965 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जापान के खिलाफ भारत के लिए खेली थी।
देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ने किस राज्य की दौरा करते समय उन्होंने दूधवाणी नामक एक जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, तो किस राज्य के अंदर किया वो आपको बताना है। ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान। ये अपने आप में जो है एक प्रकार से पहला रेडियो स्टेशन होगा जो किसानों के लिए खास तौर से बनाया गया जो दूध का व्यापार करते हैं। और ये कहाँ पर जो इसका उद्घाटन किया, कर्नाटक, राजस्थान। मानो संक्रमण या नेपाल, जल्दी जल्दी दोनों क्वेश्चन के आंसर कर दें नीचे कमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दो फिर रिपीट करता हूं कि किस देश के अंदर बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रोन के साथ जो है पहला मानव संक्रमण दर्ज हुआ है, तो रूस, जापान, चीन या नेपाल के अंदर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल सेटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है, तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो राइट आंसर होगा सी 2426.39 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाने इसकी मंजूरी दी गई है सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर ये 2G से 4G में बदलने की मंजूरी दी है, और ये प्रयोजन नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के कुछ क्षेत्रों के लिए है जो 2G मोबाइल साइट को 4G में बदलने का काम सार्वजनिक क्षेत्र की दो दूरसंचार कंपनी है यानी BSNL वो उसको दिया गया है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार 2542 मोबाइल साइटों में 346 आंध्र प्रदेश में है, जबकि 16 बिहार, 971 छत्तीसगढ़ के अंदर, 450 झारखंड, 23 मध्य प्रदेश, 125 महाराष्ट्र, 483 उड़ीसा, 33 वेस्ट बंगाल और 42 उत्तर प्रदेश और 53 इसके अंदर क्या तेलंगाना के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है, तो किसने रोकी है, रूस ने। सही आंसर क्या होगा, रूस है उसने पोलैंड और बुल्गारिया की प्राकृतिक गैस की जो है आपूर्ति बंद कर दी है, क्योंकि रूस ने ये कदम दोनों देशों द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद उठाया है। गैस आपूर्ति रोकने की घोषणा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की और उस बयान के बाद की गई है जिसने कहा था कि गैर मित्र देशों को रूस की मुद्रा रूबल में गैस के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन बुल्गारिया और पोलैंड ने ऐसा करने से कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन है नेस्कॉम, उन्होंने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है, तो नेस्कॉम ने किसको जो चेयरमैन नियुक्त किया है, तो वह कृष्णन रामा अनुजम को। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन है नेस्कॉम उसने टाटा एसएलटी सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी कृष्ण रामानुज को जो है 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे पहले कृष्ण संगठन के उपाध्यक्ष थे। अब भारत में एक्सचेंजर की वरिष्ठ प्रबंधन निदेशक रेखा एम 2021 क्वेश्चन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो सही आंसर डी सुमन बेरी को। दूसरा क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को ईंधन खरीदने में मदद के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, तो सही आंसर डी श्रीलंका। सही आंसर करने वाले विजेता हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, पहले स्थान पर हैं कामेंद्र यादव, दूसरे पे हैं राजगुप्ता, तीसरे पे हैं शरण कुमार, चौथे पे हैं मनीष शर्मा और पांचवे पे हैं नॉलेज फॉर ऑल। तो आप सभी को हार्दिक आदि बधाई व शुभकामनाएं। के साथ आप हमारी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर क्या आपको स्टेटस जीके भी मिल जाएगा, डेली के 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे स्टेटस जीके के, वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर भी आपको जो है प्राप्त हो जाएंगे, तो उसकी PDF फाइल जो आपको मिलेगी कहाँ पे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे जो है
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली स्टैटिक्स जीके की जो है आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, करंट अफेयर के अलावा जो ये 10 क्वेश्चन होंगे आपके लिए। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।